फ्रेंड्स, आज जो प्लान के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये 20 फीट बाई 40 फीट का है। ये इंडियन हाउस प्लान है फ्रेंड्स। इंडिया में ज़्यादातर इस डिज़ाइन को आप कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 800 स्क्वायर फीट। ओके फ्रेंड्स, एंड इसका जो कॉस्टिंग आएगा लगभग 8.5 to 9.5 लैक्स कॉस्टिंग इसका पड़ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को 2 BHK मिल रहा है। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रणव चौधरी, सिविल पार्ट्स में सभी को स्वागत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आउटर वॉल को कवर करेंगे फ्रेंड्स। आउटर वॉल जो है, यहाँ पे हम लोग को मेन एंट्रेंस मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग को मिलेगा टोटल आउटर वॉल। ओके, इसका जो आउटर वॉल होगा फ्रेंड्स, ये 6 इंची का होगा आउटर वॉल। मेन एंट्रेंस यहाँ से हम लोग करेंगे, देन इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे स्टेयर का पोर्शन मिलेगा। ओके, स्टेयर का पोर्शन कुछ ऐसा मिलेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे फिर रूम में जाने के लिए मेन एंट्रेंस मिलेगा। यहाँ पे एक हम लोग को रूम, यहाँ पे मैं स्टेयर को पहले ड्रॉ कर देता हूँ। हर एक डायमेंशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप वीडियो को एंड तक देखिए फ्रेंड्स। ओके, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बेडरूम ड्रॉ कर लेते हैं। बेडरूम का जो डोर मैं यहाँ पे रखता हूँ, उस कॉर्नर पे रखना था, ठीक है। यहाँ पे भी एक बेडरूम होगा। थोड़ा इसको मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे भी एक बेडरूम हम लोग को मिलेगा। ओके, यहाँ पे एक टॉयलेट हम लोग को मिलेगा। जितना सारा वॉल देख रहे हैं फ्रेंड्स, सभी वॉल 6 इंची का आप लोग को मिलेगा। बस हो गया। अभी मैं वॉल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत लॉबी टाइप है ड्राइंग का, डाइनिंग एरिया, तो मैं इसको टू विंडो प्रोवाइड करूँगा। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपका, आप देखते रहिए एंड तक, वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, देखिए कवर हो गया। इसके बाद हम लोग डोर प्रोवाइड करेंगे। ओके, विंडो भी प्रोवाइड करते हैं। विंडो कुछ ऐसा होगा फ्रेंड्स,
देखिए रेड वाला जो होगा वो विंडो है एंड वेंटिलेशन है, किचन में वेंटिलेशन होगा एंड आपका सॉरी किचन में टॉयलेट में वेंटिलेशन होगा एंड जितना सारा रूम है किचन है वहाँ पे आपको मिलेगा विंडो। देखिए फ्रेंड्स टोटल हो गया है, अभी हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है देखिए ये सीट आउट हम लोग प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे सीट आउट का जो साइज़ है फ्रेंड्स 9 फीट 6 इंची बाई 7 फीट हम लोग को मिलेगा। ओके एंड इसके बाद ये जो स्टेयर है, स्टेयर का अप पोर्शन आप कहाँ पे रखेंगे मुझे बताइए। ओके उसी हिसाब से मैं रखूँगा। मैं एक चीज़ दे देता हूँ, स्टेयर का सारा डायमेंशन दे देता हूँ। ये 3 फीट 6 इंची का स्टेयर है यहाँ से यहाँ तक, एंड यहाँ से यहाँ तक भी सेम है 3 फीट 6 इंची का है। आप बोलिए मुझे, कमेंट करके बताइए कि कहाँ से रखने से अच्छा लगेगा। ओके ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के ऊपर कि ये जो है ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस होने के बाद मैं सीट आउट में आ जाता हूँ, फिर कहाँ से एंट्रेंस दे के मतलब ऊपर जाने के लिए कहाँ पे बेस्ट होगा। एंड यहाँ पे जो मेन डोर में होगा, मेन डोर जो है यहाँ पे थोड़ा स्टेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि अप होगा ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल। आप तो समझ ही चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो ये जो है ये लैंडिंग है, ये लैंडिंग के ऊपर विंडो है, आप मुझे ये चीज़ बताइए। एंड इसके बाद मैं इंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। इसका जो साइज़ होगा फ्रेंड्स 8 फीट 6 इंची बाई 23 फीट। तो देखिए 8 फीट 6 इंची जो है यहाँ से यहाँ तक एंड 23 फीट जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक। ओके यहाँ पे दो विंडो प्रोवाइड किया गया, यहाँ पे आप 5 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं दो। ओके एंड ये किचन है हम लोग का, मैं ये यहाँ से कवर करता हूँ उसको। देखिए यहाँ पे एक बेडरूम हम लोग को मिल रहा है, बेडरूम का जो साइज़ है 10 फीट बाई 10 फीट का बेडरूम है। ये जो डोर है बेडरूम जाने का वो 3 फीट का डोर है। यहाँ पे विंडो जो है ये 5 फीट का विंडो प्रोवाइड किया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 फीट का विंडो प्रोवाइड किया गया है। ओके ये जो बेडरूम है ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे इस बेडरूम को, हर एक चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं। देन यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट है फ्रेंड्स, कॉमन टॉयलेट का जो साइज़ है 6 फीट बाई 7 फीट। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाई बाथ है, यहाँ पे वेंटिलेशन दिया गया है। ओके इसका जो आपका डोर होगा कुछ इस तरह होगा, देखिए इस तरह, एंड इसका जो डोर होगा कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर है, मैं स्लाइडिंग डोर दिखा देता हूँ, ये स्लाइडिंग डोर है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे एक बेडरूम मिल रहा है हम लोगों को, इसका जो साइज है 10 फीट बाई 13 फीट 6 इंची। ओके ये थोड़ा बड़ा है इस बेडरूम से तो अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे दो विंडो दिया गया है, ये आप 5 फीट का कर दीजिए एंड ये 4 फीट का कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स एंड यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है ओपन किचन, कि ओपन किचन का जो साइज़ है 8 फीट 6 इंची बाई 8 फीट साइज़ है, अच्छा साइज़ है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ये ओपन रहेगा 4 फीट का। ओके एंड यहाँ पे 4 फीट का एक विंडो प्रोवाइड किया गया है। एंड इसके बाद डाइनिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे एक हैंड बेसिन कर सकते हैं। ये कुछ इंटीरियर का पार्ट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे यहाँ पे कलम प्रोवाइड होगा फ्रेंड्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक कलम दूंगा, इसके बाद यहाँ पे एक। देखिए कलम पोजीशन कुछ इस तरह पे बनेगा। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे भी दो कलम प्रोवाइड कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 पीस कलम हम लोगों को यहाँ पे लगेगा। देखिए 14 पीस कलम यहाँ पे प्रोवाइड होगा। कलम साइज़ जो है फ्रेंड्स, आप अगर ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे
ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे तो 12 इंची बाई 10 इंची कलम साइज से ही हो जाएगा, कलम साइज 12 इंची बाई 10 इंची से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, इसका जो आपको साइज़ जो प्राइस आपको बोला है 8.5 टू 9.5 प्राइस है, ये इस प्राइस में आप ये घर आराम से बना सकते हैं। 800 स्क्वायर फीट का प्लान है ये। एंड इसके बाद अगर आपको ये प्लान पसंद आया तो मुझे बताइए कमेंट करके। एंड ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बताइए कैसा लगेगा आपको, आप अगर ये घर बनाएंगे तो कैसा लगेगा दिखने में, ये भी बताइए। इसका पीडीएफ मुझे, मैं दे दूंगा मेरा वेबसाइट में, आप वेबसाइट में जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे जुड़ सकते हैं। एंड वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।